सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पीजी के लगभग काउंसलिंग समाप्त होने की ओर हैं। बहुत सारे कोर्स के काउंसलिंग कंप्लीट भी हो चुके हैं, मतलब जितने कट ऑफ आने थे लगभग कट ऑफ आ चुके हैं। फॉर एग्जांपल एमसीए की एंड साथ साथ हिंदी की भी अब बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं आएगी। तो इन सब के बारे में मैंने अपने पहले वाली वीडियो में, शायद कल की वीडियो है जिसमें मैंने अच्छे से डिस्कस किया है शाम की, तो सभी लोग जाकर ज़रूर देख लीजिए। सुबह वाली वीडियो अगर आप सभी ने नहीं देखी है तो भाई क्या कर रहे हो यार, सभी लोग सुबह वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा, जिसमें मैं सभी को आज होने वाली इंपॉर्टेंट घटनाओं के बारे में ज़रूर अपडेट करता हूँ। तो वो वाली वीडियो सभी लोग ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। ISDC की कट ऑफ आ चुकी थी तो मैं आप सभी को टेलीग्राम पर अपडेट कर दिया, ठीक है। बात करें CMP एंड ADC की LLB की कट ऑफ के बारे में, तो देखो अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मेन कैंपस की तो LLB एंड LLM की दो कट ऑफ आ चुकी हैं, ठीक है। फर्स्ट कट ऑफ आप सभी की 9 तारीख के आसपास लगभग आई थी, सेकंड कट ऑफ आप सभी की 11 तारीख को आई थी। अब आप सभी के मन में ये एक डाउट्स हैं कि आप सभी के थर्ड कट ऑफ कब आएगी, तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, बट बता देता हूँ, हो सकता है आज शाम तक कट ऑफ आ जाए, एंड अगर आज नहीं आता है तो कल आप सभी के कट ऑफ 100% आ जाएंगे LLB एंड LLM के थर्ड कट ऑफ मेन कैंपस के। अब बात कर लेते हैं कि चौधरी महादेव प्रसाद डिग्री कॉलेज की LLB की कट ऑफ कब आएगी एंड उसके बाद ADC की। तो देखो जैसा कि अगर आप सभी फॉलो कर रहे हो तो पता ही होगा कि PG की जो आप सभी के एडमिशन है इन चौधरी महादेव प्रसाद डिग्री कॉलेज, उसकी अभी केवल और केवल एक ही कट ऑफ आई है, जो कि 9 तारीख की कट ऑफ थी, जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट के कट ऑफ थे एंड बहुत सारे सब्जेक्ट के कट ऑफ नहीं थे। तो उसी क्रम में आप सभी के LLB एंड LLM के कट ऑफ अभी नहीं आए थे। तो अभी CMP की सेकंड कट ऑफ भी नहीं आई है, थर्ड कट ऑफ भी नहीं आई है। तो अभी LLB एंड LLM के कट ऑफ थोड़े मुश्किल हैं कि जल्दी आए, लेकिन अगर बात करें CMP के सेकंड कट ऑफ की, तो CMP के जो सेकंड कट ऑफ है वो आप सभी के कल शाम तक 100% आ जाएंगे। आज इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि अगर आज कट ऑफ आती है तो उसकी नोटिस कल के लिए होती है, तो कल वैसे भी 15 अगस्त है तो छुट्टी रहेगी आप सभी की, तो मुश्किल है कि आज कट ऑफ है, लेकिन आप सभी के जो कट ऑफ है वो कल यानी कि 15 अगस्त को 100% आने के चांस हैं, ठीक है। लेकिन LLB एंड LLM के कट ऑफ नहीं आएंगे CMP में, अभी ये मानकर चलिए आप सभी, अभी जो कट ऑफ आएंगे। लेकिन अगर हम बात करें इलाहाबाद डिग्री कॉलेज की, तो इलाहाबाद डिग्री कॉलेज की लगभग 5 से 6 कट ऑफ आ चुकी हैं। तो अब जो उसकी कट ऑफ आएगी, बस 1 से 2 कट ऑफ और मुश्किल से मुश्किल आएगी, उसके बाद आप सभी के 100% LLB एंड LLM के कट ऑफ आ जाएंगे। तो कल या फिर परसों, मतलब 15 या 16 तारीख में आप सभी के ADC में तो LLB एंड LLM के कट ऑफ आ जाएंगे, लेकिन चौधरी महादेव प्रसाद में अभी LLB एंड LLM के कट ऑफ नहीं आएंगे। अभी सेकेंड कट ऑफ आप सभी की मतलब आएगी MA MSc की, ठीक है, तो वो आप सभी की कल आएगी शाम को। तो कट ऑफ कितनी होगी LLB एंड LLM की चौधरी महादेव प्रसाद या फिर ADC में? चौधरी महादेव प्रसाद डिग्री कॉलेज में कट ऑफ थोड़ा ज्यादा होगी, ADC में कट ऑफ की बात करें तो थोड़ा कम होगी। तो आप सभी की जो अनरिजर्व की कट ऑफ रहने वाली है ADC में, वो आप सभी की लगभग रहने वाली है भैया यहां पर 140 के आसपास, ठीक है। जो फर्स्ट कट ऑफ आप सभी की होगी 140 के आसपास रहेगी ADC में, एंड जो चौधरी महादेव प्रसाद है उसमें लगभग 145 के आसपास रहेगी फर्स्ट कट ऑफ, ये मैं बता रहा हूँ अनरिजर्व की। तो 140 अगर कोई स्टूडेंट है तो भैया वो चौधरी महादेव प्रसाद में जो फर्स्ट कट ऑफ आएगी LLB में, उसमें काउंसलिंग कराने के लिए एलिजिबल है, ठीक है। कट ऑफ 10-5 नंबर कम ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि कट ऑफ आपने देखा कि इस बार किस तरीके से LLB के कम हुए हैं, उसके बाद आप सभी के कट ऑफ कम नहीं हुए बहुत ज़्यादा। तो इसलिए आप सभी के जो CMP के कट ऑफ्स हैं वो यहाँ पर आप सभी मानकर चलिए कि 145 के आसपास अगर आप सभी के हैं तो यहाँ पर आप अनरिजर्व में काउंसलिंग करा सकते हो। पहला राउंड है, लास्ट तक कट ऑफ डेफिनेटली कम होगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।